फिल्मों का यूनिवर्स ये हॉलीवुड से आया है। उन्होंने ये बताया कि कैसे एक यूनिवर्स की फिल्म को दूसरे यूनिवर्स के फिल्मों के साथ कैसे जोड़ा जाता है। उसके बाद अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी भाई कैसे पीछे रह सकती है, इनके द्वारा भी यही चीज शुरू किया गया। पहले रोहित सिट्ठी के द्वारा सिंघम अगेन और बहुत सारे फिल्मों को उनके द्वारा जोड़ा जा रहा है और अभी यूनिवर्स को क्रिएट किया ही जा रहा है। उसके बाद वायरअप के द्वारा भी शुरू किया जा चुका है और अपने साउथ इंडस्ट्री भी भाई पीछे कहाँ रहने वाली थी। उन्होंने एक एलसीयू का निर्माण किया, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। इसके अंदर तीन फिल्में बनाई जा चुकी है। पहला फिल्म था कैथी, दूसरा विक्रम और तीसरा जो अभी रिलीज किया जा चुका है लियो। मैंने ये फिल्म देखी है लियो। इसमें मुख्य कलाकार में है विजय थालापति, संजय दत्त, एक्ट्रेस में त्रिशा है, उसके बाद इसमें अर्जुन भी हैं। सभी कलाकार एक से बढ़कर एक है। मैं बात करता हूँ इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म है एलसीयू की तीसरी फिल्म है। इसको देखने के बाद भाई साहब आप विजय थालापति का जो है ना फैन तो पहले से होंगे ही। इस फिल्म को देखने के बाद उनका जबरा फैन आप लोग होने वाले हो यार। उनके द्वारा एक्टिंग किया गया है, इसमें जबरदस्त एक्टिंग किया गया है। मैं पहले भी उनके बारे में बता चुका हूँ, मैंने वीडियो भी बना रखी है उस पर कि मैं जब उनको देख रहा हूँ ना तो एक उनके फेस पर जो इंटेंसिटी होती है ना, मतलब एक एटीट्यूड रहता है उनके एक्टिंग में। मतलब वो एक्टिंग भी करते हैं तो लगता है कि यार उस एक्टिंग को वो जी रहे हैं, उस किरदार को वो जी रहे हैं। डांस करते हैं तो अलग स्वैग रहता है उनका, कॉमेडी भी कर लेते हैं तो वो भी भाई एक अलग तरह का होता है। और ये फिल्म देखने के बाद जो रियल एक्टिंग होता है ना उसको आप लोग फील करोगे। भाई साहब उनके द्वारा एक्टिंग किया गया है, जबरदस्त है यार। मतलब उम्दा, बेहतरीन, बेमिसाल एक्टिंग किया गया है। और इसमें और दो बड़े कलाकार हैं, संजय दत्त, अर्जुन। इन दोनों के ऊपर ये भारी पड़े हैं क्योंकि भाई साहब इस फिल्म की कहानी तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि यार बताऊंगा तो कहानी स्पॉइल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये फिल्म हॉल में देखने वाली है तो आप लोग हॉल में जरूर जाए देखने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसके बारे में बता ही सकता हूँ। ये फिल्म पूरी तरह से एक्शन फिल्म है, पूरी तरह से। मैंने विजय थालापति का इससे पहले इतना एक्शन करते हुए मैंने नहीं देखा यार। एक्शन किया गया है उनके द्वारा, ओहो भाई साहब इतना एक्शन करते हैं, मार काट इधर गोली, ज्यादा तो काटने वाला सीन है यार, बंदूक का तो सीन है ही ज्यादा, आपको चाकू छुरी से ही ज्यादा इसमें लड़ाई आपको देखने को मिलेगा। और लियो, लियो सच में भाई, ये लियो जो नाम है ना इस फिल्म का, कहानी भी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आप लोग जब फिल्म देखोगे ना तो भाई साहब आपको समझ में आ जाएगा। बेजोर मतलब बेमिसाल तरीके से इस फिल्म को लियो के आसपास इसको घुमाया गया है। मतलब पूरी फिल्म का जो केंद्र है ना वो लियो ही है। एक्टर तो है ही विजय थालापति और इसमें लियो नाम जो है ना वो केंद्र बिंदु पर है कि कैसे इसमें लियो का क्या बिजनेस होता है, वहाँ पे कैसे उनको मृत घोषित किया जाता है, उसके बाद कैसे प्रतिभान का कैरेक्टर उसमें जन्म लेता है, उसके बाद फिर कैसे प्रतिभान को लियो साबित करने में क्या क्या करना पड़ता है खलनायक के द्वारा। भाई साहब ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, बेमिसाल है यार। इसकी कहानी भी अच्छी लिखी गई और सबसे बेहतरीन है यार इसका म्यूजिक। VGM जो है ना सभी को पता है अनिरुद्ध के द्वारा इसको म्यूजिक दिया गया है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना ज़बरदस्त म्यूजिक होगा। वो जो बैकग्राउंड में जब विजय थालापति का जब इंट्री होते रहता है ना तो बैड एस जब भी एक्शन करते हैं, बैड एस लियो दास, बाप रे बा, उफ किलर सॉन्ग है यार, किलर है, किलर किलर। और इस फिल्म को आपको ये कनेक्शन देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि ये LCU का तीसरी फिल्म है, तो आपको कैथी से भी इसको टैग आपको जरूर देखने को मिलेगा आगे। और विक्रम का तो 100% मिलेगा क्योंकि इसमें एक लास्ट में आप लोग जब देखोगे ना तो आप लोग के लिए सरप्राइज भी है। फिल्म ख़त्म होने के बाद तुरंत सीट पे से उठ के चले मत जाना, 2-3 मिनट आप लोग इंतज़ार करना, आपको वो सीन दिखाई दे देगा कि आखिर क्या है कि इसको विक्रम से आगे जब ये फिल्म बनेगी तो विक्रम से कैसे इसको जोड़ा जाएगा। तो आप लोग
समझ जाओगे, मैं नहीं बताऊंगा यार, जा करके फिल्म देखो हॉल में। मैंने बड़े मेहनत से इस फिल्म को देखी है। आज के वीडियो में यही था, उम्मीद करते हैं वीडियो देख करके आप लोगों को काफ़ी मजा आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।